तो दोस्तों बहुत कोई जानना चाहता है कि जो पाइनएप्पल जो पेड़ होता है वो कैसे होता है। पाइनएप्पल तो एक बीज से होता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही लंबा होता है। आपको अगर 12 से 18 महीना में पाइनएप्पल चाहिए तो उसके लिए क्या होता है, इसका भी फल नहीं आया है, मतलब पाइनएप्पल अभी नहीं आया। तो पाइनएप्पल ये जब आ जाएगा उसके बाद क्या होता है, क्या उसके साइड से देखिए, जो इसका पाइनएप्पल हो चुका है, ये जो था इसमें पाइनएप्पल आया था, इसको काट लिया गया है, यानी हार्वेस्टिंग हो चुका है। उसके बाद देखिए आप, साइड से एक और निकल रहा है, इससे एक चारा बन गया, मतलब इसके बाद इसको उखाड़ के ये जो है ये वाला लगाएंगे। और ये जो है ये अभी छोटा है, आप देखिए ये है जो ये है, ये है दूसरा वाला, मतलब पाइनएप्पल हार्वेस्टिंग के बाद ये नया एक चारा निकला है, इसको अभी लगाएंगे। और छोटा छोटा भी निकलता है पाइनएप्पल के साइड से हार्वेस्टिंग करने के बाद। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है इसमें हार्वेस्टिंग हो चुका है, तो अभी ये छोटा से एक आया है, मतलब इसको भी अगर मिट्टी में लगा देंगे इसमें से भी 12 से 18 महीना में पाइनएप्पल आ जाएगा। ये वाला बड़ा है, इससे अच्छा आएगा, मतलब जल्दी जल्दी आएगा और पाइनएप्पल का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। जो वो वाला है उसमें छोटा आएगा, उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, इसमें 12 से 18 महीना में अच्छा फल आएगा, साइज भी अच्छा आएगा। तो अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।